अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन खीमा दरबारी। ये थोड़ा अलग ही खीमा बन करके तैयार होता है। ये हम जो नॉर्मल खीमा बनाते हैं उससे इसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है। इसमें मसाले तो थोड़े सेम ही होते हैं, बस ये बनके थोड़ा अलग तरीके से तैयार होता है और बहुत ही टेस्टी बनता है ये खीमा। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें। चलिए आइए देखते इसे बनाते कैसे हैं। तो बड़ी साइज़ की प्याज को मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर ली हूँ। आप चाहे तो लंबी लंबी फाइन कट भी कर सकते हैं इसे। और 500 ग्राम खीमा है मेरे पास चिकन का। गरम मसाले में 2-3 टुकड़ा दालचीनी है, 2-3 हरी इलायची है और 4-5 लौंग है। और यहाँ पे 1 कप मेरे पास मटर है, 100 ग्राम पनीर है जिसे मैंने इस तरह छोटे छोटे कट कर ली हूँ, और 1 कप कोथमीर है, 1 कप कसूरी मेथी है। और मसालों में 2 टेबल स्पून भर के मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून हरी मिर्ची का पेस्ट है। हरी मिर्ची है और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले। 1/2 टीस्पून गरम मसाला है, 3 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है और 3 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है। चलिए देखते इसे बनाते कैसे हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने एक पैन में 3 टेबल स्पून ऑयल डाल के इसे गरम कर ली हूँ। सबसे पहले हम अभी पनीर को फ्राई कर लेंगे ऑयल में। ये देखिए पनीर हमारी फ्राई हो रही है। पनीर में हर तरफ से हल्का गोल्डन कलर आ जाए इतना हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए पनीर हमारी फ्राई हो गई है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसमें गरम मसाला डाल करके इसे फ्राई कर लेंगे 2 सेकंड के लिए। गरम मसाला हमारा फ्राई हो गया है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हमें इसमें ज़्यादा नहीं लाल करना है, बस ये हल्की नरम हो जाए इतना ही हमें इसे फ्राई करना है, इसमें पकाना है। प्याज हमारी थोड़ी फ्राई हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए प्याज हमारी फ्राई हो गई है हल्की, ये बस इतनी हमें चाहिए, ज़्यादा हमें इसे नहीं फ्राई करना है। लाल मतलब इसका कलर नहीं चेंज करना है, बस इतना ही। अब हम इसमें चिकन का खीमा ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए खीमे को मैंने अच्छे से मिक्स कर ली प्याज में, बस इसका खीमे का हमारा पानी सूख जाए इसमें छूट के उतना हम इसे पकाएंगे। ये देखिए खीमे का पानी हमारा चिकन का इसमें अच्छे से सूख चुका है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह इसमें भुनेंगे। तेल में इसके जो तेल छूटा है उसी में हम इसे चिकन को खीमे को भुनेंगे। 2 से 3 मिनट में मैं आपको दिखाती हूँ। 2-3 मिनट हो गया इसे भूनते हुए मुझे। अब हम जो सारे मसाले जुड़ा के रखे थे अपने सूखे, और अदरक लहसुन का पेस्ट और ग्रीन चिली का पेस्ट सब डाल देंगे इसमें। हल्का सा इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून पानी ऐड करके मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मसालों को मैंने अच्छे से खीमे में मिक्स कर ली हूँ। अब हम इसे स्लो करके ढक्कन ढक के 5 मिनट के लिए इसी तरह पकाएंगे। 5 मिनट हो गया ऐसे पकते हुए। अब हम इसमें मटर ऐड कर देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/2 कप के करीब हम इसमें पानी ऐड करेंगे मटर के साथ ही, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे फिर से ढक के 5 मिनट के लिए पकने देंगे।
5 मिनट हो गए इसे पकते हुए। एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। अब हम इसमें कसूरी मेथी और कोथमीर ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोथमीर और कसूरी मेथी के साथ ही हम इसमें पनीर भी ऐड कर देंगे। पनीर को आप इसी तरह से इसमें डालिए, देखिए ये अच्छे क्रिस्पी हो जाते हैं तो ये टूटते नहीं है इसमें डालने के बाद में। पनीर को भी इसमें हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। पनीर थोड़ी सी मेरी डार्क कलर की हो गई है, आप चाहे तो इससे थोड़ा लाइट फ्राई करें। ये देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया हूँ। इसी में हम और आधा कप पानी ऐड कर देंगे। पानी आप अपने हिसाब से डालें, जितना आपको पतली या गाढ़ी चाहिए खीमे की ग्रेवी उस हिसाब से आप पानी इसमें ऐड करिए। अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए इसी तरह ढक्कन ढक करके दम पे रख देंगे। 10 मिनट हो गया है इसे दम पे पकते हुए। ये देखिए अच्छे से पक गया है। अब हम इसका गैस बंद कर देंगे। ये देखिए हमारा चिकन खीमा दरबारी बन करके तैयार है। जैसे कि आप लोगों ने देखा इसे बनाना कितना सिंपल कितना इजी है, और ये थोड़ा अलग हट करके हमारा खीमा बन करके तैयार होता है। आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको भी ये बहुत पसंद आएगा। इसे रोटी नान पाव के साथ आप खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर, चैनल पे नए तो 1 टाइम सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अल्लाह हाफिज़।